गाजीपुर से अंकित दुबे पत्रकार की खास रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तरी सड़क पर राजेश बनवासी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों लोगों ने निकाला जुलूस। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी मांगों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले की सैकड़ों लोगों सड़क पर उतरकर जुलूस निकाले हैं। भाकपा माले द्वारा निकाला गया जुलूस करंदा क्षेत्र अंतर्गत मैनपुर से प्रारंभ होकर ब्राह्मणपुरा लखचंदपुर होते हुए करंदा रामलीला मंच पर सम्पन्न हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कमेटी सदस्य व वर्तमान ग्राम प्रधान राजेश बनवासी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी उपलब्धि लोगों के बीच ले जाकर बाह-बाही लूट रही है, जबकि सच्चाई यह है कि गांव में जो लोगों को रहने की समस्याएं, खाने पीने की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याएं आदि समस्याओं से गरीबों को निजात नहीं मिल रही है और गरीब परेशान हैं। शासन सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से सुख सुविधा से सुसज्जित है, उसी तरह गरीब तबके के लोग को भी सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाएं पात्र को नहीं मिल है, बल्कि अपात्र योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों की मांग यह है कि ग्राम सभा में जो गांव समाज की जमीन बंजर आबादी गोबर गदना गोचर स्कूल खलिहान की जमीन है, इन सारी जमीनों पर गाँव के दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं और गरीबों के बसने के लिए जमीन नहीं है। अगर जो गरीब नाला भीटा रेलवे लाइन के किनारे तालाब के किनारे बसे कर किसी तरह बस कर जीवन यापन कर रहा है, तो उनको अवैध कब्जा करने का आरोप लगाकर गरीबों को उजाड़ दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दबंग लोग जमीन कब्जा किए हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अपना परिचय बताएं। देखिए, हमारा नाम राजेश बनवासी है और मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले जिला कमेटी का सदस्य हूँ और खेत मजदूर सभा का जिला सचिव हूँ और इस समय वर्तमान में करंडा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान। राजेश जी, आज लोग 26 जनवरी मना रहे हैं और आप सभी रोड पर उतरे हैं, क्या दरअसल देखिए सरकार जो 26 जनवरी मना रही है 75वां गणतंत्र दिवस, तो सरकार अपनी उपलब्धि लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश कर रही है और खास तौर से जो सरकार की पॉलिसी है और जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं को सरकार जो है कि लोगों के बीच में ले जा करके ये बाबाई लूटने का काम कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि गाँव में जो समस्याएं हैं, लोगों को रहने बसने की समस्याएं, लोगों को खाने पीने की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याएं, मतलब जो भी समस्याएं हैं, तो वास्तव में वह समस्याओं से गरीबों को निजात नहीं मिल पा रही है, गरीब परेशान है। लेकिन फिर भी जो है कि शासन सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग, जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये सारे लोग जिस तरीके से अपने आप को सुख सुविधा से सुसज्जित हैं, उसी तरीके से वो लोग समझ रहे हैं कि सभी लोग सुसज्जित होंगे, सब चैंस होंगे। तो इस बात को हम लोग कहने के लिए रोड पर आए हुए हैं कि आपकी जो मंशा है, आप जो जिसको जिस रूप में समझ रहे हैं, वह चीजें नहीं है। गांव में समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से, भूख से, जुर्म से, अत्याचार से। कहने का मतलब हमारा है कि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, जुर्म, अत्याचार चरम सीमा पर है। गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, कर्ज, बीमारी में लोग करा रहे हैं और यह शासन सत्ता में बैठे लोग आज जो है कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हम ये गरीबों की बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो पॉलिसी है, जो आपकी योजनाएं हैं, वास्तव में जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनको वह मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जो लोग अपात्र हैं, जिनको वह नहीं मिलना चाहिए, वो लोग जो है कि भ्रष्टाचार की वजह से, पैसा के लेन देन की वजह से वो लोग जो है कि हावी हो जा रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं, वो लोग पा जा रहे हैं, गरीब आदमी जो है कि परेशान है, उसको वो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। मांग क्या है आप लोग? हम लोगों की मांग है देखिए, जो मांग हमारी है, हम यह कह रहे हैं कि जो गांव में गांव समाज की जमीन है, वो बंजर की जमीन है, आबादी की जमीन है, गोबर गड्ढा हरोहर की जमीन है, गौचर की जमीन है, स्कूल खलिहान के नाम से जमीन है, नाला भीटा पौधर के नाम से जमीन है, इन कोर्ट के नाम से जमीन है, ये सारी जमीनें जो है कि गांव के जो दबंग काश्तकार हैं, जो मतलब है कि संपन्न लोग हैं, ये सारे लोग कब्जा किए हुए हैं और गरीबों को रहने बसने के लिए जमीन नहीं है। कहीं अगर गरीब बस चुका है नाला के किनारे, बीटा के किनारे, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, तालाब के किनारे, तो उसको अवैध कब्जा करने का आरोप लगा करके गरीबों को उजाड़ दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो ये दबंग लोग जमीन कब्जा किए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। इस बात का हम लोगों को दुख है कि बाबा का अगर बुलडोजर सही में न्याय के लिए चल रहा है, तो
तो ये जितने भी फाजिल जमीनें लोग कब्जा किए हुए हैं उन जमीनों से लोगों को बेदखल कर दिया जाए, और जो भूमिहीन गरीब हैं मजदूर हैं वह जमीनें उनको आवासीय और कृषि पट्टा के रूप में दे दी जाए, ताकि गरीब आदमी उससे अपना गुजर बसर जीवन यापन कर सके।